News 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। मंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद दिल्ली से पटना लौटे देवेश चंद्र ठाकुर ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जहां जनता का आभार जताया, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने धन्यवाद कहा। तो वहीं जब मीडिया ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर उनसे ये सवाल किया कि विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर तंज कस रही है, सवाल उठा रही है कि नीतीश कुमार इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट से केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, तो ऐसे नीतीश कुमार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहिए, विशेष पैकेज दिलवाना चाहिए, जितनी भी चीनी मिल बंद पड़ी है उसको चालू करवाना चाहिए। साथ ही विपक्ष ये भी सवाल उठा रही है कि ये जो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, आखिर ये कितने दिनों की बनी है। तो इन तमाम मुद्दों पर देवेश चंद्र ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि जाति समीकरण छोड़कर मुझे लड़ाया गया और मुझे विजयश्री मिली है। धन्यवाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को, और उनका ये प्रयोग सफल रहा। ये दिखाता है कि उन्होंने विकास जो कराया बिहार में, उसका असर पूरे जनता पर होने लगा। यही कहना है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि इस बार नीतीश कुमार चीनी मेकर की भूमिका में है, तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और जो चीनी मिल वगैरह बंद है इसको खुलवा देना चाहिए। निश्चित रूप से ये तो डिमांड है, जनता दल यूनाइटेड का डिमांड है, मुझे उम्मीद है सफलता मिलेगी। इंडिया गठबंधन के नेता लोग भी दिल्ली पहुँच रहे हैं सर, क्या लगता है कुछ होगा क्या? नहीं नहीं, हो गए सरकार बन गए 5 साल के बाद, आप सपना देखना बंद करें, 5 साल इंतजार करें। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग सरकार तो बना लिए, कितने दिन चला पाएंगे, 1.5 साल या 5 साल इंतजार करें, खाब में रहें, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव की बात कर रहे हैं, 5 साल इंतजार करें, इसके पहले खाब देखना देखते रहें, कोई दिक्कत तो आपने सुना देवेश चंद्र ठाकुर को, जिन्होंने पटना एयरपोर्ट पर आज मीडिया से बातचीत की। और सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जाति और धर्म से हटकर मुझे सीतामढ़ी से टिकट दिया गया और मैं चुनाव जीत भी गया, इसके लिए मैं जनता और नीतीश कुमार का धन्यवाद करता हूं। लेकिन उनसे जब सवाल किया गया कि विपक्ष नीतीश कुमार को किंग मेकर बता रही और कह रही है कि नीतीश कुमार लगातार अपना साथ दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दिलवाएंगे, जितनी भी बिहार में चीनी मिल जो अभी बंद पड़ी है वो चालू कब होगी, बिहार की जनता की जो मांग है वो पूरी कब होगी, तो इस पर उन्होंने कहा कि जदयू का भी यही मांग है, हम लोगों ने यही डिमांड किया और ये जल्द ही पूरा होगा, इन सभी मुद्दों पर काम होगा, विकास की बात होगी, विकास होगा बिहार में। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष तंज तो ये भी कस रही है कि ये जो सरकार बनी है एनडीए गठबंधन के केंद्र में, आखिर ये कितने दिनों तक चलने वाली है, तो इस पर उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को अभी कहिए कि सिर्फ बैठक करे और 5 साल इंतजार करे, क्योंकि 5 साल के बाद ही कुछ हो सकता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक News 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।